एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म, और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट एग्जाम को लेकर, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा सीटेट व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों हम जल्दी सीटेट की फ्री ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर आपको PDF, मॉक टेस्ट, MCQ सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। चलिए दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, आप एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो बिल्कुल एक फ्री एप्लीकेशन है। चलिए शुरुआत करते हैं सीटेट को। दोस्तों सीटेट हुए अभी, यहाँ पर एक साल हो चुका है सीटेट लास्ट ईयर हुआ था, उसके बाद अभी तक सीटेट नहीं हुआ है, एक साल हो चुका है मिनिमम। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर आई कि सीटेट एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, सीटेट में बहुत कुछ नया चेंज आने वाला है दोस्तों। एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाएगा, एग्जाम मोड चेंज हो जाएगा, एग्जाम की एज लिमिट चेंज हो जाएगी, तो बहुत कुछ नया अपडेट आने वाला है, इसलिए काफ़ी टाइम आपको लग रहा है दोस्तों। और सीटेट का दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो आपका सीटेट है उसका सिलेबस जो है या जो भी मैनेज करवाता है वो भी पैटर्न अब चेंज होने वाला है, तो काफ़ी कुछ होगा। बट दोस्तों एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि सीटेट का जो फॉर्म है आपको अगले महीने में देखने को मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है उन पर आप कॉल करके क्वेरी कर सकते हो, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि सीटेट का एग्जाम क्या होगा। फिर भी दोस्तों जो स्टूडेंट ये वेट करके बैठे हुए हैं कि एग्जाम आएगा, जब हम स्टडी स्टार्ट करेंगे, तो भैया ऐसा बिल्कुल भी वेट ना करें। अभी नेट एग्जाम वालों को दोस्तों 2 महीने का ही टाइम मिला है, तो यहाँ पर मैं नहीं चाहूँगा कि आपको भी 2 महीने का टाइम मिले, इसलिए आप अभी से स्टडी स्टार्ट कर दो, तो वहाँ पर आपका काफ़ी परफेक्ट काम हो जाएगा, आपको अच्छे से स्टडी का टाइम भी मिल जाएगा और आपका एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।